ये बुजुर्ग थे, इनको वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने एक यंग बंदे के लिए वेंटिलेटर छोड़ दिया और ये घर पे ही उन्होंने अपने दम तोड़ दिया। 85 साल के थे, कोविड इन्फेक्टेड थे। इन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी तो उम्र होगी, मैंने जी लिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, आप किसी युवा को जिसको ज़रूरत है उसको आप बचाइए। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कि हर किसी को देखना चाहिए। दिस इज़ अ रियली अ बिग एग्जाम्पल, और ऐसे लोगों की बहुत कमी है हिंदुस्तान में। बस अगर ऐसे लोग हो जाते तो शायद हम लोग कब से जंग जीत जाते। बहुत बड़ी बात है कि किसी ने यह कह के अपना वेंटिलेटर छोड़ दिया, चाहते तो वो उनको मिल सकता था, वेंटिलेटर ये कह के छोड़ दिया कि मैंने अपनी उम्र जी ली है, आप जाके किसी युवा को बचाइए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और इनके लिए तालियां बनती है। और मैं हर एक बंदे को कहूँगा कि इनके लिए आप तालियां चैट सेक्शन में ज़रूर बजाओ, क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो हिंदुस्तान और हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखे हुए हैं। ऐसे ही लोग हैं जो कि वाकई में ऐसे लोगों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को शेयर करो बजाय नेगेटिव चीज़ों को शेयर करने के। ऐसी स्टोरियाँ बाहर नहीं आती, लेकिन किसी को अगर किसी ने गाली निकाल दी तो वो तुरंत शेयर हो जाती है, लाखों करोड़ों लोग उसे देख लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कौन पहचान देगा। और ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है, ऐसे महान विचारों की हमें ज़रूरत है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इनके लिए आप तालियाँ बजाएं।